गाइस आज की इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको यहां पर लाइव प्रूफ के साथ में मनी व्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। 1.5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट के लिए मुझे यहां पर ऑफर मिला है, आपको मिल सकता है पूरे 5 लाख रुपए तक की लिमिट के लिए ऑफर। गाइस अगर आप मनी व्यू क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो आपको यहां पर बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको आप किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं इस कार्ड को यूज करके। मैं आपको यहां पर इस कार्ड को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आप भी बनाना चाहते हैं मनी व्यू क्रेडिट कार्ड, कैसे आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या देने होते हैं, ई मैंडेट कैसे करना होता है, कैसे आपको आधार कार्ड से KYC करनी होती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, वीडियो पूरा देख लेना अगर आप कार्ड बनाना चाहते हैं तो, नहीं बनाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस आपको डाउनलोड करनी है मनीव्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जाएंगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर मनीव्यू कंपनी दिखाई देगी, जो आपको दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन पर। मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप है ये, और ये मेरी फेवरेट फाइनेंस कंपनी है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना गाइस इंडिया के अंदर अभी काफ़ी पॉपुलर फाइनेंस कंपनी हो चुकी है। रेटिंग की बात करें 4.6 रेटिंग है, 1,00,000 डाउनलोड की जा चुकी है वाली एप्लीकेशन है। और गाइस देखिए इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसी चॉइस इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है ये, जहां पर आप 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको यहां पर 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन लिमिट मिल सकती है, प्लस आपको यहां पर मनीव्यू क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। मैं यहां पर मनीव्यू क्रेडिट कार्ड ही अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, वीडियो पूरा देख लेना ठीक है। जीरो फिजिकल कॉन्टैक्ट, आपके घर पे कोई भी नहीं आने वाला है डॉक्यूमेंट्स पिकअप करने के लिए, सब सारे काम आपको यहां पर ऑनलाइन ही करने होते हैं। केवल 3 से 4 स्टेप के अंदर आप कार्ड बना लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है, उसके बाद गाइस आपको यहां पर लोन के लिए ऑफर मिलता है। जितने लोन के लिए आपको ऑफर मिले या क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर मिले उसको आपको अप्लाई करना होगा। केवल आपको यहां पर पैन कार्ड की डिटेल, एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट यानी इनकम वेरीफाई करनी होगी, सेल्फी अपलोड करनी होगी। कंटिन्यू करने के बाद गाइस आप यहां पर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अप्लाई कर लेंगे। 100% डिजिटल प्रोसेस यहां पर होता है, आपके घर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए नहीं आता है, सारे काम आपको खुद को ही करने होते हैं। एक बार जैसे ही आप यहां पर ई साइन एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं, आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिस्बर्स कर दी जाती है। फिलहाल हम देखेंगे कैसे हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको यहां पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है गाइस इंटरफेस आपको यहां पर दिखाई देगा कुछ ऐसा, जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गाइस आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना है, क्या लिख रखा है, कस्टमाइज ऑफर मिल सकता है आपको यहां पर, हैसल फ्री प्रोसेस होने वाला, इंस्टेंट डिस्बर्सल होती है, लेट स्टार्ट पर आपने क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अक्सर करके मेरे भाई नहीं करते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपको यहां पर क्या करना होता है, आई एग्री पे क्लिक करना होगा आपको यहां पर ठीक है। आई एग्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आई एग्री करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपसे ये परमिशन मांग रहा है लोकेशन की, SMS की, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की, मीडिया फोटोज की, डिवाइस इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं देंगे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए आपको अलाउ पे क्लिक करना होगा ठीक है। जैसे आप इसको अलाउ करेंगे, जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोले आपने उतनी बार इसको अलाउ कर देना है। और जैसे आप अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद सबसे पहले गाइस आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी डालनी होगी, ओके करना होगा। उसके बाद गाइस आपको नीचे यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद गाइस आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद गाइस आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो यहां पर होने वाला है कुछ ऐसे, जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपको सेल बताना है आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी सैलरी कितनी है आपको यहाँ पर बताना होगा ठीक है। एनुअल टर्नओवर कितना है आपको यहाँ पर वो बताना होगा, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, सेमी अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है ये बताना होगा ठीक है। उसके बाद गाइज आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम नाम वो डालना है जो आपके पैन कार्ड के अंदर साफ साफ यहाँ पर लिखा है, जो पैन कार्ड के अंदर नाम वही डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है, करंट एरिया पिन कोड आपको डालना है, एजुकेशन लेवल डालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। गाइस जैसे आप गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे, गेट ऑफर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप हिंदी इंग्लिश जो भी चाहे वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर ऑफर मिला है क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए। गाइस मुझे यहाँ पर कितने का लोन ऑफर मिला अभी आपको आगे पता चलने वाला है,
इतने ही ऑफर हमारे लिए चेक करें, इतने आप वीडियो लाइक कर दो। और गाइस देख सकते हैं यार स्क्रीन पर, मुझे यहां पर ऑफर मिला है 1.5 लाख रुपए के पर्सनल लोन और 1.5 लाख रुपए के डिजिटल क्रेडिट कार्ड के लिए। जी हां गाइस, मुझे यहां पर 1.5 लाख रुपए के लिए ऑफर दिया है मनीव्यू ने। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह बोले कि भाई आप 1.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन और 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट के लिए डिजिटल क्रेडिट कार्ड आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पर 1.5 लाख रुपए की डिजिटल क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको यहां पर मिलने वाली है। सिंपल सा काम करना है आपको, अप्लाई फॉर कार्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई फॉर कार्ड पे क्लिक करेंगे, आप चाहे तो लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं यहां पर कार्ड अप्लाई कर रहा हूं। उसके बाद गाइज आपको यहां पर आपके फादर का नाम डालना है, आपकी मदर का नाम डालना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद गाइज बिजनेस डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। उसके बाद गाइज आपको यहां पर आपके बिजनेस का नाम डालना है, आपके बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहां पर डालना होगा, ऑफिस एड्रेस, पिन कोड डालना है, वर्क ईमेल आईडी आपको यहां पर डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने आधार कार्ड से केवाईसी करनी होगी, पेपरलेस केवाईसी वेरीफाई पर आपने क्लिक करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर जाने के बाद आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, कैप्चर कोड डालना है, आपके पास एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डालनी है, 4 नंबर का पासकोड बनाना है। आपकी जो भी डिटेल आपके आधार कार्ड के अंदर होगी वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा एड्रेस आ चुका है, नाम आ चुका है और वेरिफिकेशन यहां पर सक्सेसफुली हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। आप जब यहां पर आधार कार्ड से केवाईसी कर लेंगे, उसके बाद गाइस आपको यहां पर एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, अपनी फोटो अपलोड करना होगा। यहां पर फोटो आपको यहां पर क्लियर अपलोड करना है, यहां पर उन्होंने बता रखा है भाई आपका फोटो बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा जब आप यहां पर अपनी फोटो अपलोड कर देंगे। और गाइस उसके बाद आपको यहां पर अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट बैंकिंग के जरिए आपको ये करना होगा, आपको यहां पर चूज करना है आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको गाइस यहां पर जो है अपना बैंक चूज करना है, जो भी आपका बैंक है, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड यहां पर डालना होगा और थोड़ा इंतजार आपको यहां पर करना होगा, क्योंकि ये आपकी जो भी इनकम होगी ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लेगा। यहां पर बोलने के भाई थोड़ा वेट कीजिए, तकरीबन 1.5 मिनट का टाइम यहां पर लगता है और उसके बाद गाइस आपसे ये आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगेगा। आपको यहां पर आपका बैंक अकाउंट चूज करना, एफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल सही तरीके से फिल कर देंगे, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपया डालने के बाद आपके बैंक अकाउंट को ये वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद गाइस आपको यहां पर फाइनल अप्रूवल मिलेगा। आप देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पर, मुझे यहां पर अभी इन्होंने क्या फाइनल अप्रूवल दिया है। देखें यहां पर मुझे पहले यहां पर इन्होंने लिमिट दी थी 1.5 लाख रुपए की, उसके बाद बीच में उन्होंने बोला कि आपके 1.5 लाख से घटाकर हम यहां पर 75,000 रुपए की लिमिट कर रहे हैं। मैंने सोचा चल ठीक है कोई बात नहीं, 75,000 रुपए की लिमिट भी सही है यार, लेकिन फाइनल अप्रूवल में गाइस इन्होंने क्या किया, 75,000 रुपए की लिमिट को घटाकर इन्होंने 10,000 रुपए कर दिया। ये बोले कि भाई आपकी लिमिट यहां पर 10,000 रुपए अब होती है, अब यहां पर आप गोट इट पर क्लिक करने के बाद अपनी, देखिए यहां पर 0 फीस है इसकी, ठीक है, 0 फीस है। 75,000 रुपए से जो घटी है 10,000 रुपए की लिमिट, इसकी 0 फीस है, यहाँ पर फीस यहाँ पर नहीं लग रही है। तो हम क्या करेंगे, गॉट इट पे क्लिक करेंगे। और गाइस जैसे ही गॉट इट पर हम क्लिक करेंगे, गॉट इट पे क्लिक करने के बाद में अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा जो प्लेटिनियम वीजा क्रेडिट कार्ड है ऊपर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटिनियम कार्ड है, ये 10,000 रुपए की लिमिट है हमें यहाँ पर मिल रही है। डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, एप्लीकेशन रिव्यू भी सक्सेसफुली हो चुकी है और जो फाइनल डिटेल है गाइस वो 10,000 रुपए की है। DMI फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने टाई अप किया है मनीव्यू के साथ में, यही हमें यहाँ पर लिमिट देने वाली है। अब आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, इनेबल करना है आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट को, जिसके लिए आपको यहाँ पर गाइस नेट बैंकिंग या फिर जो है डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से यहाँ पर आप जो है ई मैंडेट कर लेना। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नेट बैंकिंग के जरिए, ये मैं नहीं आपको दिखा सकता क्योंकि ये एक सिक्योरिटी है, आपको इंटरनेट, ठीक है, या तो इंटरनेट या एटीएम से इसको कंप्लीट कर लेना होगा। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर इनेबल कर लिया है अपना जो ऑटो डेबिट है उसको। अब जो भी मैं यहां पर यूज करूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से कटता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं गाइज ये अभी प्रोसेस में जा चुका है, इन प्रोसेस में अब आपको यहां पर थोड़ा इंतजार करना होगा तकरीबन 1 मिनट का। उसके बाद जब आप यहां पर रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं यहां पर रिफ्रेश करने के बाद में यहां पर जो है सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहां पर जो है एड्रेस डालना होगा अपना, करंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर करंट एड्रेस अपने सही तरीके से डाल देना और कंटिन्यू करना इसको। जैसे आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे, अपनी फैमिली में से एक देना है, एक अपने फ्रेंड्स का आपको यहाँ पर देना होगा। ये 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद में गाइस
आपका ये जो कार्ड है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर अभी ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं और मैं आपको यहां पर बता दूं ये जो दो कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे ये एक्टिव होने चाहिए। उसके बाद गाइस फाइनल जो है उसके अंदर आपको यहां पर एग्रीमेंट को रिव्यू करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूरी डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक ओटीपी आपके पास आएगी, वो ओटीपी आपको डालनी है, वेरीफाई करना है। और गाइस वेरीफाई जैसे आप करेंगे, वेरीफाई करने के बाद में आपकी जो ये एप्लीकेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। पूरी तरीके से डिजिटल प्रोसेस है। आधार कार्ड आपने यहाँ पर दिया, पैन कार्ड दिया, बैंक अकाउंट डिटेल आपने यहाँ पर दी, इनकम वेरीफाई की और आपका डिजिटल क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया। ठीक है, बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है और सबमिट करने के बाद देख सकते हैं एग्रीमेंट हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर जो फाइनल है वो है डिजिटल कार्ड एक्टिवेट करने का। देख सकते हैं गाइस हमारा कार्ड यहां पर एक्टिवेट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस, योर मनी व्यू प्लैटिनम कार्ड इज रेडी। हमारा कार्ड रेडी हो चुका है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस कार्ड के जो भी बेनिफिट है आपको यहां पर दिखाई देंगे। इस कार्ड को यूज करके आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जय गाइस यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपने कार्ड को आपको एक्टिवेट कर लेना होगा। देख सकते हैं यहां पर आप व्यू कार्ड पे क्लिक करने के बाद अपने कार्ड को देख सकते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल आपको यहां पर दिखाई देगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा कार्ड अभी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। 10,000 रुपए का हमारा लिमिट है, अनलॉक ये हो चुका है। 100 कार्ड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड डिटेल आपको दिखाई देगी। स्कैन क्यूआर कोड का जब आप स्कैन करेंगे तो आप पेमेंट कर पाएंगे, कैश ट्रांसफर भी आप कर पाएंगे। यहां पर वीडियो देख सकते हैं कैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं इस कार्ड को यूज करके, कैसे आप डिजिटल कार्ड से यहां पर स्टोर पर जाकर पेमेंट कर सकते हो, यहां पर दिखा रखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप इस कार्ड को जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे आप ये कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, फिजिकल कार्ड अपने घर पे मंगवा सकते हैं और कैसे आप इस कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से इस क्यूआर कोड को यूज करके। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है इस कार्ड को आप कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे इसको अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप देखना चाहते हो वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस तरीके से आप बनवा सकते हैं मनी व्यू क्रेडिट कार्ड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही।